नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं एस्कॉर्ट्स ऑनलाइन चैनल के अंदर ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज। जैसे कि हमने वादा किया था, 3 स्पेशल एपिसोड हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये दूसरा एपिसोड है टायर टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आइए दोस्तों, टायर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश आज करेंगे। टायर टेक्नोलॉजी की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आगे के टायर होते हैं, पीछे के टायर होते हैं। आगे के टायर के अंदर क्लासिफिकेशन आप जानना चाहोगे तो सारे ही जो खेती के काम के लिए ऑल एप्लीकेशन टायर होते हैं, और जो कीचड़ में चलते हैं, धान की खेती में चलते हैं, उसको वेटलैंड एप्लीकेशन के टायर बोलते हैं। और पीछे टायर की अगर बात करें तो पहला होता है R1 एग्रीकल्चर टायर, माने सारे खेती के लिए कारगर वाला R1 टायर। और दूसरा जो है R1W डीप लग टायर, माने जहां कीचड़ थोड़ा ज्यादा है और जहां टायर स्लिप होने की संभावना ज्यादा है, तो वहां R1W डीप लग टायर इस्तेमाल किया जाता है। वही जहां पर बहुत सारा पानी है और कीचड़ भी ज्यादा है, वहां R2 केन एंड राइज स्पेशल टायर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब टायर कम स्लिप हो, ज्यादा ग्रिप मिले और बढ़िया काम करें। इसके अलावा R3 टर्फ टायर है, ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं गोल्फ कोर्स, जहां जमीन पर इंप्रेशन कम चाहिए। मतलब ये टायर दिखने में कार जैसे टायर होते हैं मगर बहुत ही चौड़े होते हैं। इसके अलावा जो पांचवा वेरिएंट है उसको R4 इंडस्ट्रियल टायर कहा जाता है। ये अक्सर कमर्शियल कामों के लिए बहुत कारगर होता है, जैसे कि बैकहो, लोडर, डिगर जैसे मशीन चलाते हैं, उन मशीनों के लिए ये बहुत कारगर होता है। आइए ये सारी टायर बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। फ्रंट टायर में आपके स्क्रीन में दर्शाया गया तो ये देख सकते हो, जो पहला टायर है ये ऑल एप्लीकेशन सारे खेती कामों के लिए बहुत कारगर होता है। इसकी टायर की आकार अगर देखोगे, जो साइड में इसकी रिंग है उसमें कट होती है, ताकि जब ये खेत में चलता है तो बढ़िया ग्रिप बना के चले। उसी प्रकार से जो दूसरा टायर स्क्रीन पे दिखाया गया है, इसको हम वेटलैंड एप्लीकेशन स्पेशल टायर बोलेंगे, क्योंकि इस टायर की आकार में देखिए कहीं कट है ही नहीं, दोनों तरफ पूरा एक ही लग दिखता है। क्योंकि ये जब कीचड़ में चलेगा या चिपकीली मिट्टी में चलेगा तो मिट्टी इस पे चिपकेगा नहीं, अगर चिपक भी जाएगा तो जल्दी उससे उतर भी जाएगा, इसलिए इसको वेटलैंड स्पेशल टायर कहते हैं। उसी प्रकार से रेयर टायर की अगर बात करें तो ये है R1 एग्री टायर, सारी खेती काम के लिए बहुत ही कारगर होते हैं ये। और R1 के अंदर दूसरे टायर आते हैं, उसको हॉलेज स्पेशल टायर कहते हैं। अगर इसकी आकार आप करीब से देखोगे तो एक लग से दूसरी लग की दूरी कम होती है, और जो लग के एंड में जो उसकी आकार होती है वो हेक्सागोनल पैच होती है, मतलब 6 कोने वाला आकार का रबर लगा होता है और मोटा रबर लगा रहता है, ताकि ज्यादा जमीन के साथ कॉन्टैक्ट बनाए। और जब आप ढुलाई के काम में ज्यादा लोड डालते हो ट्रॉली में, तो ट्रैक्टर पे ज्यादा लोड आता है, वो सारा लोड ये टायर सहन कर सके, और जितना ज्यादा रोड से कॉन्टैक्ट में रहेगा उतना ज्यादा खींचने के भी काम मजबूती से करेगी, और सबसे बढ़िया चीज ये कम घिसेगी। मगर हाँ दोस्तों, ये याद रखें, जो हॉलेज स्पेशल टायर है वो रेतीली जमीन हो गया या खेती के काम के लिए थोड़ा कम फायदेमंद होता है। अभी हम बात करेंगे R1W, जो थोड़ा कीचड़ वाला प्रदेश है, जहां धान की खेती करते हैं, वहां इस्तेमाल करने के लिए बहुत कारगर होता है। इस टायर की आकार को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लग से दूसरी लग की दूरी थोड़ा ज्यादा होता है, और लग की भी जो हाइट है 20%, अगर ये नॉर्मल लग है तो उसके ऊपर 20% इसकी लग ज्यादा होता है। इससे फायदा ये मिलता है, जब भी ये कीचड़ में चलता है तो ज्यादा ग्रिप बनाता है और टायर की पकड़ मजबूती से जमीन के साथ बना के रखता है। और जो लग टू लग दूरी का फायदा ये है, अगर कीचड़ इस पे चिपक भी गया तो ये दूरी ज्यादा होने के कारण ऑटोमेटिक वो चिपकीली मिट्टी नीचे गिर जाती है, सेल्फ क्लीनिंग टायर भी इसको कहा जाता है। उसी प्रकार से R2 डीप लग टायर या राइस केन स्पेशल टायर जो होते हैं, इसका लग लगभग नॉर्मल R1 लग के ऊपर डबल होता है, इतना ज्यादा होता है। फायदा सबसे ज्यादा कीचड़ की प्रदेश है या पूरा पानी टहरा है जिसके अंदर ट्रैक्टर को जाके काम करना है, उसके लिए बहुत कारगर होते हैं ये टायर। और एक लग से दूसरी लग की दूरी भी सबसे ज्यादा होता है।
ताकि ये कीचड़ के प्रदेश के अंदर बहुत कारगर काम करें, कीचड़ इस पे ना चिपके। मगर हाँ दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, जब ये टायर R2 टायर जब इस्तेमाल करोगे तो रोड के लिए ये कारगर नहीं होता है, क्योंकि इसके लग के हाइट ज़्यादा होते हैं। अगर रोड पे लोड के साथ आप ज़्यादा चलाओगे तो ये लग चिपिंग का समस्या आ सकता है। अभी बात करेंगे R3 टर्फ टायर। जैसे पिक्चर में दर्शाया गया, आप देख सकते हो ये कार के टायर की तरह होते हैं और इसकी जो लग होती है बहुत छोटे होते हैं, और इसको नॉन एग्रेसिव टायर भी कहा जाता है। इसका मतलब जब ये टायर ज़मीन पे चलते हैं तो निशान बहुत कम बनाते हैं। जहां लॉन है, जहां घास ज़्यादा उगाते हैं, उस प्रदेश में घास की कटाई का काम चलता है और घास को नुकसान भी ना हो, उसके लिए टायर बहुत कारगर होता है। हम इसको एटम के मॉडलों में जो एक्सपोर्ट होता है बाहरी देशों में, उसमें ये लगा के देते हैं। आखिरी जो टायर वेरिएंट है उसको R4 इंडस्ट्रियल टायर बोलते हैं। जैसे पिक्चर में दर्शाया गया, आप देख सकते हो ये अक्सर हमारे जो डिग मैक्स बड़े मशीन होते हैं जो बैकहो लोडर के साथ काम करते हैं, उस कमर्शियल काम के लिए बहुत कारगर होते हैं ये R4 इंडस्ट्रियल टायर। दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा 12/4/28, 14/9/28, 16/9/28, ये नंबर होते क्या हैं, कैसे इसको टायर पे नापा जाता है। आइए टायर कैसे नापते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक उदाहरण के तौर पर 13/6/28 12 प्लाई रेटिंग के साथ दिया गया है। तो ये टायर जैसे आपके चित्र में दर्शाया गया देख सकते हो, जो 13.6 इंच में नापा जाता है, 13.6 इंच जो है टायर की चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई इस लग के एज से इस लग के एज की दूरी जो होती है टायर की चौड़ाई, उसको 13.6 इंच कहा जाता है। और जो 28 होता है वो अंदर की जो डायमीटर होती है बीडिंग से बीडिंग तक, उस दूरी को हम 28 इंच बोलते हैं, या रिम का साइज भी आप बोल सकते हो। इसके अलावा जो 12 PR करके जो लिखा, ये प्लाई रेटिंग होता है। टायर के अंदर जो धागे होते हैं वो एक निश्चित एरिया के अंदर कितने धागे हैं, जितना धागा ज़्यादा होता है उतनी टायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, उसी को प्लाई रेटिंग कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे छोटा टायर बड़ा टायर। अगर एक ही ट्रैक्टर के अंदर छोटा टायर है तो क्या फ़ायदे हैं, बड़ा टायर है तो क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो छोटा टायर का स्पीड जो होता है वो कम होता है, और छोटा टायर का जो खिंचाई होता है खेत के अंदर वो ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से बड़ा टायर का स्पीड ज़्यादा होता है और छोटे टायर के अतिरिक्त बड़ा टायर का खिंचाई जो होता है वो थोड़ा कम होता है। उसी प्रकार लोड लेने की क्षमता की बात करें तो छोटे टायर में जो लोड लेने का क्षमता होता है वो कम होता है, बड़े टायर में जो लोड लेने की क्षमता होता है वो ज़्यादा होता है। तो बोलने का मतलब ये है, छोटा टायर खेती के लिए बहुत कारगर होता है, बड़ा टायर ढुलाई के लिए बहुत कारगर होता है। इसी के साथ दोस्तों, इस एपिसोड में मैं टायर इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाना चाहूँगा और उनसे भी एक आध सवाल करेंगे, टायर इंडस्ट्री में क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है, कौन सा टायर मैं खरीदूँ। नमस्कार फरीद अहमद जी। नमस्कार हर्षा। फरीद जी हमारे हेड ऑफ मार्केटिंग है अपोलो टायर्स के अंदर, 20 साल का उनका कुल मिला के एक्सपीरियंस है और 14 साल टायर इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस है। तो आज फरीद जी आपके लिए पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि टायर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या नया सुधार हो रहा है, आने वाले टाइम में कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी। तो हर्षा, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद इस टेक्नोलॉजी सीरीज के लिए, और आपको धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके थ्रू आपके किसान भाइयों से जुड़ सकूं। और आपके सवाल के जवाब में, तो आपका सवाल टेक्नोलॉजी को लेकर के है। हमने देखा ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जिस तरह नई नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, हायर हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, बेहतर कन्वीनियंस और कम्फर्ट के ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ट्रैक्टर्स को डिज़ाइन किया जा रहा है, एप्लीकेशन के हिसाब से ट्रैक्टर्स को डिज़ाइन किया जा रहा है, और नई स्टाइलिंग ट्रैक्टर्स में देखने को मिल रही है। उसी प्रकार टायर इंडस्ट्री में भी हम आपसे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और आपके हायर हॉर्स पावर और ज़्यादा फुल पावरफुल ट्रैक्टर्स के लिए
बेहतर ग्रिप वाले और ज्यादा मजबूत टायर्स हम डिजाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हम ट्यूबलेस टायर की टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं, जिससे कि किसानों की पंक्चर होने की समस्या से बहुत ज्यादा आसानी होगी। और उसके बाद हम रेडियल टायर टेक्नोलॉजी भी लेकर आए हैं, जो अपोलो इंडिया में लाने वाली पहली कंपनी है। और रेडियल टायर में हमने फार्मकिंग जो अपना टायर उतारा है, वो हर लिहाज से, यानी कंफर्ट के लिहाज से, ग्रिप के लिहाज से और लाइफ के लिहाज से एक अत्यंत आधुनिक टायर है, और इसीलिए वो आज भारत का नंबर वन टायर भी है। और हाँ, चूंकि अब टायर बहुत, ट्रैक्टर्स बहुत स्टाइलिश हो रहे हैं, हम अपने टायर्स को भी ज्यादा स्टाइलिश और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उसमें नई नई तरह के डिजाइन का प्रयोग कर रहे हैं। धन्यवाद फरीद जी। किसान भाई का एक सवाल आया था पिछले एपिसोड के अंदर, वो पूछ रहे थे कि उनके पुराने ट्रैक्टर के अंदर नॉर्मल टायर रिप्लेस करके रेडियल डालें तो क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। अच्छा, यह बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बहुत सारे किसानों को रेडियल टायर की जानकारी नहीं है, इसलिए वो ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि उन्हें अपने ट्रैक्टर में रेडियल टायर डालना चाहिए या नहीं। जिस तरह कार के कस्टमर्स और ट्रक के कस्टमर्स का ने रेडियल टायर से फायदा उठाया है, उसी प्रकार से अगर ट्रैक्टर खेती में उपयोग में आता है तो रेडियल टायर उसको ज्यादा ग्रिप प्रदान करता है। यानी अगर आप अपना प्लाउइंग का काम कर रहे हैं तो आप कंपेरेटिवली जल्दी कर पाएंगे और कम डीजल की खपत से खेती का काम कर सकते हैं। और अगर किसान ढुलाई का काम ज्यादा करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा कंफर्ट रेडियल टायर में मिलता है, और साथ साथ इसकी स्पीड रेटिंग भी 40 किलोमीटर पर आवर है, जबकि नॉर्मल टायर की 35 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ज्यादा स्पीड से चल सकते हैं, ज्यादा कंफर्ट उन्हें मिलेगा, इसलिए ज्यादा तक काम कर सकते हैं। और एक नया कंपाउंड इसमें इस्तेमाल होता है जो रेडियल कंपाउंड है, इसकी वजह से करीब करीब दुगनी लाइफ, यानी टायर जितना चलता है एक नॉर्मल, उससे 2 गुना रेडियल टायर लाइफ दे सकता है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है फरीद जी, बहुत अच्छा जवाब था। मेरा अगला सवाल आपके लिए होगा कि बहुत किसान भाई ये सोचते हैं कि टायर एक बार लगा दिया ट्रैक्टर में तो अपने आप चलता रहेगा, मगर मुझे लगता है कि उसका भी कुछ ध्यान देना होगा, उसकी लाइफ लंबी चले बिना कोई दिक्कत। तो कोई मेंटेनेंस टिप्स आप दे सकते हैं टायर के ऊपर? जी अच्छा, टायर का रख रखाव उतना ही जरूरी है जितना कि ट्रैक्टर का या और किसी मशीन का रख रखाव जरूरी है। और चूंकि टायर एक कीमती वस्तु है, डीजल के बाद अगर सबसे बड़ा खर्चा किसान का किसी चीज में होता है तो वो टायर में होता है, इसलिए टायर के रख रखाव का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं कुछ बातें उनके सामने लाना चाहूंगा। टायर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हवा का दबाव। तो किसान भाई ये सुनिश्चित करें कि उनका ट्रैक्टर, उनका टायर साइज, एप्लीकेशन और उनकी मिट्टी, इसके हिसाब से जो सही हवा का दबाव उन्हें या तो ट्रैक्टर कंपनी बताती है या टायर कंपनी बताती है, वो जरूर मेंटेन करें। और अगर सही हवा का दबाव मेंटेन नहीं करेंगे तो कम हवा का दबाव होने पर ट्रैक्टर में ज्यादा डीजल की खपत होगी, और अगर ज्यादा दबाव मेंटेन करेंगे तो टायर ज्यादा कटने फटने का के चांसेस होते हैं। तो हवा का दबाव हमेशा रखें और हफ्ते में एक बार अपनी हवा जरूर चेक कराएं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद जब भी आप अपना ट्रैक्टर सुबह काम के लिए निकालें तो एक बार टायर का ऊपरी निरीक्षण जरूर करें। ऊपरी निरीक्षण से मतलब है कि आप देखें कि टायर पे कोई मिट्टी, पत्थर, कंकड़, फसल के अवशेष, कील, कांटे या इस तरह की कोई चीज अगर लगी हो तो उसे साफ कर दें, उसे हटा दें, ताकि जब अपना ट्रैक्टर चलाएं तो उससे उसको नुकसान ना हो। और टायर और रिम के बीच में अक्सर मिट्टी फंस जाती है, उसको, रिम लाइन को भी जरूर क्लीन करें। तो इन चीजों से भी आप अपने टायर को कटने फटने से बचा सकते हैं और उसका ध्यान रख सकते हैं। तीसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टायर को ऑयल, ग्रीस या ल्यूब, इन चीजों से बहुत दूर रखें। ये टायर के लिए बहुत नुकसानदायक है, ये किसी भी तरह टायर के संपर्क में नहीं आने चाहिए। अगर ये संपर्क में आते हैं तो टायर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
फिर अगर आप अपना ट्रैक्टर स्टोर कर रहे हैं यानी कुछ दिन तक नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं खड़ा रखते हैं, या टायर ट्रैक्टर से निकाल करके कहीं स्टोर कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। यूवी रेज और ओजोन से टायर को बहुत नुकसान होता है, तो उसको ढक कर रखें और डायरेक्ट सनलाइट की में उसको ना आने दें। ये कुछ टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपने टायर की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और एक और चीज आप कर सकते हैं कि समय समय पर यानी 200 से 250 घंटे के इस्तेमाल के बाद आप अपने टायरों को रोटेट कर दें, तो दाहिना टायर बाएं साइड लगा दें और बायां टायर दाहिने साइड लगा दें। इससे आपको टायरों में समान घिसाई मिलेगी और ज्यादा दिन तक आपका टायर चलेगा। तो ये कुछ बातें ध्यान में रखकर किसान भाई अपने टायर्स की लाइफ बढ़ा सकते हैं, उनको डैमेज होने से बचा सकते हैं। और एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब कभी आपका टायर पंक्चर हो जाए तो आप उस पर ज्यादा दूर चलाएं नहीं। अगर आप रन फ्लैट जैसे हम कहते हैं वो करेंगे तो आपका टायर और ट्यूब दोनों पूरी तरह से खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप उसको वहीं रोक दें और पंक्चर का इंतजाम करें और फिर दोबारा सही हवा का दबाव मेंटेन करने के बाद ही टायर को चलाएं। तो इन कुछ टिप्स का अगर ध्यान रखेंगे तो आप अपने टायर से बहुत बेहतर लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद फरीद जी। एक आपके एक सवाल है जो किसान भाई अक्सर पूछते हैं कि जब ये टायर में पानी भरते हैं वाटर ब्लास्टिंग करने के लिए, उससे कोई नुकसान होता है टायर को? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा अर्षा आपने। ब्लास्टिंग यानी जिसे कहते हैं टायर पे भार देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है और इससे ये सुनिश्चित होता है कि टायर जमीन के साथ सही ग्रिप बनाए। तो खासकर हमारे वो किसान भाई जो वेस्ट यानी पश्चिम और साउथ से आते हैं, दक्षिण से आते हैं, उनकी मिट्टी हार्ड है और वो मोल्ड बोर्ड प्लाउ का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर अगर टायर में या ट्रैक्टर में सही भार नहीं होगा तो टायर पूरा ग्रिप नहीं बनाएगा और स्लिप करेगा, जिससे टायर में फास्ट वियर की यानी जल्दी घिसने की समस्या और कटने फटने की समस्या और ज्यादा डीजल खपत की समस्या को भी देखने को मिलती है। तो इसके लिए या तो कास्ट आयरन ब्लास्टिंग का उपयोग किया जा सकता है जिसमें लोहे का भार ऐड किया जाता है लेकिन वो महंगा पड़ता है, तो एक अच्छा और सुलभ तरीका है वाटर ब्लास्टिंग का। और वाटर ब्लास्टिंग की प्रक्रिया हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, क्योंकि टायर को पूरी तरह से पानी से नहीं भरना है। टायर में 25% हवा होनी चाहिए और 75% पानी भरा होना चाहिए और ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि कठोर मिट्टी में आपको सही ग्रिप आपको टायर से मिले जब आप खासकर प्लाउइंग का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जब आप रोड पर जाएं तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप उस पानी को निकाल दें। पानी भरी हुई स्थिति में अगर ट्रैक्टर को रोड पे चलाएंगे तो उससे टायर को नुकसान हो सकता है। बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अक्सर किसान भाई कुछ साल के बाद जब टायर घिस जाता है तो टायर रिप्लेस करने जाता है, तो जब वो नया टायर खरीदने जाता है तो वो क्या क्या ध्यान में रखे टायर रिप्लेस करते टाइम? जी अर्षा, ये एक ऐसा सवाल है जो किसान को हमेशा उसके दिमाग में चलता है कि कब मुझे अपना टायर चेंज करना चाहिए और मैं जब टायर बदलूं तो नया टायर क्या लगाऊं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से वो जो खेती कर रहा है या ढुलाई का काम कर रहा है, और खासकर अगर वो खेती कर रहा है तो अगर टायर में माल कम बचा है तो टायर किसान को टायर बदल लेना चाहिए, क्योंकि कम माल के साथ जब किसान खेती करने की कोशिश करते हैं तो उसमें स्लिप ज्यादा आता है, डीजल की खपत बढ़ जाती है और पंक्चर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप नए टायर का चुनाव करें तो आप अपने एप्लीकेशन को खास तौर पर ध्यान में रखें कि आप ज्यादा काम खेती का करते हैं या ज्यादा काम ढुलाई का करते हैं। फिर खेती में आप कौन से इम्प्लीमेंट ज्यादा प्रयोग करते हैं, यानी आप प्राइमरी टिलेज ज्यादा करते हैं, प्लाउ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, या फिर आप कल्टीवेटर या रोटावेटर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्या आप लेजर लैंड लेवर भी चलाते हैं। तो जिस तरह के इम्प्लीमेंट्स का आप उपयोग करते हैं उसको भी ध्यान में रखें। और तीसरी, आपकी मिट्टी कैसी है, यानी आप जहाँ रहते हैं वो रेतीली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है या काली कठोर मिट्टी है, इन चीजों को ध्यान में रखकर आप अपना टायर का चुनाव करेंगे तो आपको सही टायर, क्योंकि आज की तारीख में टायर
इंडस्ट्री ने और अपोलो टायर्स ने भी हर एप्लीकेशन के हिसाब से टायर्स डिजाइन किए हैं। तो आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पे या हमारे नजदीकी डीलर से आप संपर्क करेंगे तो वो आपको इससे सलाह दे सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से आपको कौन सा टायर लगाना चाहिए। अगर आप सही टायर का चुनाव करेंगे तो आपके ट्रैक्टर की उत्पादकता भी बढ़ेगी, डीजल की खपत भी कम होगी और आपको ज्यादा जल्दी काम भी आपका होगा। धन्यवाद फरीद जी, बहुत अच्छे टिप्स और ट्रिक्स आपने दी है अपने किसान भाइयों को। अगले हफ्ते हम इस वीडियो के ऊपर जो भी प्रश्नोत्तर आ रहे हैं उनका उत्तर देने का एक सेशन बनाते हैं। मैं आशा करता हूँ आप उस सेशन के अंदर उपस्थित रहेंगे। अच्छा, एस्कॉर्ट्स की पूरी टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मंच से आपने अपने किसान भाइयों के साथ जुड़ने का मौका दिया, और मुझे भी इंतजार रहेगा किसान भाइयों के प्रश्नों का। उन प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे और उम्मीद है उनके अपेक्षा अनुसार हम उनको जवाब दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों टायर टेक्नोलॉजी सीरीज आपको बहुत पसंद आया होगा। आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कीजिए। आने वाले प्रश्नोत्तर एपिसोड के अंदर आपके सारे सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। अगर ये एपिसोड आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले एपिसोड को आप मिस ना करें। धन्यवाद।